हरिद्वार से खबर है जहां जनपद में न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री पर बना हुआ है, लेकिन डेंगू पर नियंत्रण के लिए न्यूनतम तापमान का 16 डिग्री तक पहुंचना जरूरी है, जिस कारण अभी डेंगू का कुछ खतरा धर्मनगरी पर बना हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार डॉक्टर आर के सिंह ने बताया कि अभी तक जांच में 17 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। तापमान नीचे आने तक शहर में डेंगू का खतरा बना हुआ है। आज ही रैपिड जांच में 3 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। रैपिड जांच में पॉजिटिव आए मरीजों को एलाइजा की जांच की रिपोर्ट की जा रही है, उसके बाद ही इन मरीजों में डेंगू की पुष्टि की जा सकेगी। फिलहाल डेंगू पर इस बार स्वास्थ्य विभाग की पकड़ मजबूत है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। देखिए, इसके लिए मैं हरिद्वार की जनता का भी आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने अपना प्रिवेंटिव मेजर लिया, और मीडिया को भी दूंगा कि इन लोगों ने इतना अच्छा प्रचार प्रसार किया कि सभी लोग जागरूक रहे, अपने आसपास साफ पानी इकट्ठा नहीं होने दिया, न इसी वजह से डेंगू का लार्वा पनप नहीं पाया और इसी वजह से स्थिति कंट्रोल रही। और हमारे द्वारा लगातार कहीं पॉजिटिव केस मिला भी है, 17 केस पॉजिटिव आए थे, उसके चारों तरफ 100 से 150 घरों के आसपास डेंगू रोधी जो हमारी कार्रवाई होती है तत्काल अगले दिन ही कर दी गई थी। तो वर्तमान में जिले में क्या स्थिति है? वर्तमान में टोटल मेरे पास 17 केस हैं और इस समय स्थिति हम कहेंगे कि 0 के लगभग अगर आप पिछले वर्ष की तुलना करें तो। मौसम में भी लगातार परिवर्तन आ रहा है। एग्जैक्टली, अब मौसम जो है उसके डेंगू मच्छर के जो है प्रतिकूल है, तो इसलिए अब होने की संभावना एकदम नील के बराबर है। देखिए, दीपावली के लिए मैं कहूँगा यदि वो पटाखे का यूज करते हैं, और चूंकि फायर उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है तो जलने की घटनाएँ होती हैं, उसको लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन के तौर पर बच्चों के हाथ में गार्जियन खड़े रहें उस समय, और कोई भी बहुत विशेष रूप से पटाखे को चलाना हो तो एक सावधानी बरतें, और हमारे तरफ से हमारी जो हॉस्पिटल्स रहेंगे इमरजेंसी रहेगी और हमारी एम्बुलेंस रहेगी वो कंटिन्यू रेडी रहेगी।